गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट देखने वाले हैं, टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के लिए सिर्फ टू टेस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको परफॉर्म कर किया जाता है, तो वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बोरिक एसिड। तो कोई भी एसिड डिटेक्ट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, तो हमको क्या लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हमारा सैंपल दैट इज द बोरिक एसिड, इट गिव्स द इफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिक्विड सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आपके पास ड्राई कंपाउंड है तो आप बोरिक एसिड का भी सोल्यूशन बना सकते हो। तो बोरिक एसिड को वाटर में डाल के आप सॉल्यूशन बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का लिक्विड लिया है और इसमें मैं जैसे ही एसिड डालूंगी तो देयर इज अ विगरस इफ्लोरेसेंस। देखिए, ठीक है, बोरिक एसिड ये थोड़ा सा स्लो है, तो नीचे अगर आप बबल देखोगे तो देयर इज अ इफ्लोरेसेंस इन द सॉल्यूशन। देखिए, बबल्स निकलना स्टार्ट हो रहे हैं साइड से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। ये माइल्ड एसिड है, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड बोला जाता है, इसलिए हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं ग्लिसरीन। तो छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इफ्लोरेसेंस। ठीक है, और कंपाउंड धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है। तो ये फर्स्ट टेस्ट है। सेकंड टेस्ट जो हम करने वाले हैं, इट इज विद द मिथेनॉल। थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है अंडर द ऑब्जर्वेशन विद द पर्टिकुलर लेक्चरर्स। ठीक है, आपको पर्सनली सिंगल फॉर्म में ये टेस्ट नहीं करना है, ये मैंने आपको डेमो करके बता रही हूँ। ठीक है, और ये आप अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टीचर या लेक्चरर्स के सामने ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो बोरिक एसिड लेना है विद द हेल्प ऑफ होल्डर। हम इसको टेस्ट ट्यूब को टाई करेंगे, हम इसमें डालेंगे मिथेनॉल। यस, मिथेनॉल डालना है। जैसे आप मिथेनॉल डालते हो स्लाइटली ग्रीनिश कलर आएगा। देन हम डालेंगे इसमें टू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे मिथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों भी काफी हार्मफुल एंड हजार्डस चीजें हैं जो हमने रिएक्शन में रिएजेंट करके यूज किया है। देन आप इसको इग्नाइट करना है। इग्नाइट मतलब ये टेस्ट ट्यूब को जब हीट करेंगे तो आपको ऊपर ग्रीन कलर का फ्लेम दिखेगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए, सोल्यूशन पूरा ग्रीनिश हो गया है, मैं सोल्यूशन को यहाँ पे बॉइल कर रही हूँ और फ्लेम को ऑब्जर्व करना है, ग्रीन कलर का फ्लेम निकलने वाला है। ठीक है, देखिए ग्रीनिश कलर का लेयर आता है। केयरफुली हैंडल इसलिए करना है क्योंकि मिथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड है और दोनों भी हजार्डस रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। टू बी अ ग्रीन कलर फ्लेम, तो विद द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ अंडर द प्रॉपर सुपरवाइजर आपको ये टेस्ट करना है। तो ग्रीनिश कलर दिखता है। ठीक है, यह टेस्ट को आप इग्नाइट भी कर सकते हो इस तरीके से। देखिए, मिथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड की फ्लेम चलने के कारण यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ग्रीनिश कलर का फ्लेम आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने दो टेस्ट देखे बोरिक एसिड की, फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, और सेकंड टेस्ट में हमने क्या क्या डाला, ये ग्रीन के लिए, ग्रीन फ्लेम के लिए कंपाउंड प्लस मिथेनॉल एंड टू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको इग्नाइट करना है तो आपको ग्रीन कलर का फ्लेम देगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। थैंक यू।